सर बार बार आप 1991 का एक्ट याद दिलाते हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन जो सीमाएं तय करने के लिए भी उसमें एक ऑप्शन है, ये भी सुप्रीम कोर्ट एक बात सुनिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट में रिफ्लेक्ट किया आज के ऑर्डर में अपने बताइए आप? नहीं नहीं आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा वो बात, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर किसी ज़ोरास्ट्रियन या किसी जगह पर किसी और मजहब का निशान मिलेगा तो क्या चेंज हो जाएगा क्या वो? चेंज नहीं करता। हाँ ठीक है वही सही, तो नहीं कर सकते। इसका ऑब्जेक्शन अहमदी साहब ने लिया, आप पढ़ लीजिए क्या कहा जजेस ने, बोले कि हम मिसाल दे रहे हैं तो वो ऑर्डर का हिस्सा नहीं है। तो 91 का एक्ट क्यों बनाया गया? 91 का एक्ट बनाया गया टू प्रिवेंट फ्यूचर कॉन्ट्रोवर्सीज, और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें, वो 91 का एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसको, और जो अंग्रेजी में कहते कि वॉक द टॉक होना चाहिए अभी। लेकिन सर आप इसको बार बार फाउंटेन है बोल के बोल रहे हैं, ये तो ऑब्जर्वेशन है ना कि ये शिवलिंग माना जा रहा है। नहीं, वो जो कोर्ट के जज ने बगैर मुस्लिम पक्ष को सुना, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट जज साहब के पास गई, जज साहब ने दूसरे पार्टी जो दौड़ते उनके पास गई उनको सुना, और बगैर मुसलमान को जो पार्टी है उसमें इंतजामिया कमेटी, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट में उन्होंने गलत ऑर्डर दिया। इसीलिए सुनिए, ये सुप्रीम कोर्ट में बात रखी गई और हम सुप्रीम कोर्ट ने अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इस केस को भिजाया है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो फेयर तरीके से इन तमाम चीज़ों को सुनेंगे। लेकिन आप तो सर डिटरमाइन कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, नो नो नहीं आप गलत कह रहे हैं। क्या वो ऑर्डर का हिस्सा है आज के? नहीं नहीं, देखिए जो जजमेंट में कहा जाएगा वही फॉलो किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने एक मिसाल देकर कहा, अगर आप ये बोलेंगे कि मस्जिद में किसी और की निशानी मिल जाएगी तो क्या मस्जिद का कैरेक्टर चेंज हो जाएगा? वही नहीं नहीं नहीं, नो नो ऐसा नथिंग डूइंग, वो गलत आप लोग गलत रीड कर रहे। आप किसी भी सीनियर लॉयर को बिठाकर पूछ लीजिए जो मुझसे काबिल है, वो बोलेगा कि 91 एक्ट ये कहता है कि नेचर एंड कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता, और आप बार बार जो सर्टन की बात कर रहे हैं वो एक मिसाल के तौर पर कहा गया जो आज के ऑर्डर में रिफ्लेक्ट नहीं है। सर क्लियरली मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, पढ़ के ऑर्डर बताइए। नहीं नहीं सुनिए, नहीं नहीं आप ऑर्डर पढ़िए, सपोज ऑर्डर पढ़, नो सपोज नथिंग, आप ऑर्डर पढ़िए। नहीं नहीं आप ऑर्डर पढ़िए, आप सुनिए, देखिए ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैं आपकी बात का यकीन ही नहीं कर सकता। आप आज का जज ऑर्डर पढ़िए, चलिए बताइए मेरे को उसमें क्या है। सर आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को बिना सुने ही उन लोगों ने वहाँ पे अरेंजमेंट्स करने के लिए, वो प्रोटेक्शन करने के लिए कहा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरेंजमेंट होने चाहिए वहाँ पे वजू करने के लिए। हाँ, तो सुनिए, जब अहमदी साहब ने कहा कि क्यों अल्टरनेट अरेंजमेंट, तो कोर्ट ने कहा अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं, सुन तो लीजिए, अल्टरनेट अरेंजमेंट क्यों, जब पूछा गया तो कोर्ट ने कहा कि पानी मुहैया किया जाना चाहिए, पानी कहाँ मिलेगा, पौंड में मिलेगा, और नहीं नहीं मिलेगा, पानी पौंड के सामने नल की टूटियाँ हैं वहीं पानी मिलेगा, और पानी कहाँ मिलेगा? कोर्ट ने कहा कि हम अल्टरनेट अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे, कोर्ट ने कहा अभी डायरेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और उस पॉन्ड के पास और पॉन्ड को और उस पॉन्ड में जो नल की टूटियां हैं उसको इस्तेमाल करेंगे वजू करने के लिए। सर ऐसी जो रेफरेंस किया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे, इस पे आपका क्या कहना सर? क्या ये जो प्लस सिंबल जरोस्ट्रियन सिंबल हाँ? पाए गए रेफरेंस के तरीके, अरे सुनिए, देखिए आप उसके लिए लंबी बहस हो जाएगी, आप मेरे को बताओ वो जो आज के ऑर्डर में कुछ है क्या वैसा बताइए। दीज आर एक्सचेंजेस विच द जजेस एंड द लॉयर्स विल हैव, आर यू ट्राइंग टू एलिवेट इट टू द जजमेंट? डोंट एलिवेट दैट टू द जजमेंट, नो नो। सो एंड यस, व्हाट डिड द कोर्ट से ऑन दैट? द रिपोर्ट शुड नॉट हैव बीन लीक, बट द डैमेज इज ऑलरेडी बीन डन। रिपोर्ट
No, that the court has said the report should not be leaked. Now it has been gone to a district magistrate, and on priority 711, order 711 will be heard. That is the maintainability of this whole suit. जो भी क्या क्या है फिर से बोलिए तो 91 का हमेशा हवाला दे रहे हैं, हर मामले में दे रहे हैं हवाला आपको भी देना चाहिए क्योंकि कानून है वो, तो क्या उसको उसको मुस्लिम पक्ष पूरे टोटालिटी में ऑल इंडिया लेवल पे कोई जाके उस कानून के लिए आप लोग कुछ करने वाले हैं कि नहीं? कानून को करने क्या, वो तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, हमको करने क्या जरूरत है? हम इतना ही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह चुका कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का संविधान का हिस्सा है, तो हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट्स वॉक द टॉक करेंगे, बस और कुछ नहीं हमको। वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है पैराग्राफ नंबर 83 में, और ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ साहब उस जजमेंट के जजेस में से हिस्सा थे। I am sorry, you are ignorant about this law. You cannot call the exchanges between the honorable judges and the lawyers as a judgment. Please don't do that. No, don't do that. You are completely on the wrong path. In fact, I am telling you, you will be hauled for contempt of court. Don't do it. Order copy is not out here. So, order copy is there. You see on the live law, bar and bench, it is there. Go and see it. सर सुप्रीम कोर्ट में ये तेलंगाना के मुतालिक एक एनकाउंटर हुआ था, उसके मामले पे भी डेवलपमेंट आया। मैं हर एनकाउंटर के खिलाफ हूँ, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू के जमाने में अजीज और आजम का एनकाउंटर हो, चाहे सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर हो, चाहे वो नईम का एनकाउंटर हो, चाहे ये जो शमशाबाद में एनकाउंटर किया गया है, मैं हर एनकाउंटर के खिलाफ हूँ, क्योंकि एनकाउंटर रूल ऑफ लॉ को कमज़ोर करता है। हम रूल ऑफ लॉ से सरकार चलनी चाहिए, रूल बाय गन से नहीं चलनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहूँगा इस मामले में। नो आई डोंट नो यू आर कम्प्लीटली इग्नोरेंट ऑफ द लॉ। देर आर एक्सचेंजेस विच विल हैपन बिटवीन द ऑनरेबल जजेस एंड द लॉयर्स। प्लीज डोंट एलिवेट दैट टू द लेवल ऑफ अ जजमेंट। आई दैट इज वाई आई कीप ऑन रिपीटिंग टू यू, what you are saying, is it there in the order of today's Supreme Court? It is not there. So don't try to take out what suits you. That will also not suit you, because you don't know what example he has given. That will, in fact, if I go into that, it will harm the side which you are trying to represent. So, sir, it should be determined. No, no, like no. The 91 Act clearly says, please go and read the statement of objects of the 91 Act. The statement of objects says very clearly to prevent controversies. You are creating controversy by doing this. You are trying to change the nature and character of a masjid, which the parliament has made a law. आप कैसे करेंगे ये? कोई मजाक हो जाएगा कि आप आने 50 साल पहले आपने मथुरा के एग्रीमेंट किया मुसलमानों के साथ, जमीन लिया आपने और वहां पर आपने एक आलिशान मंदिर बनाया, और आप मुकर जाते हो उस एग्रीमेंट से जिसको कोर्ट से मंजूर करवाया आपने, एग्रीमेंट करके आप मुकर जाते हैं। रॉन्ग है। अरे आपको कानून नहीं मालूम, 91 का एक्ट उसकी इजाजत नहीं देता है, 91 का एक्ट उसकी इजाजत देता ही नहीं है। नहीं डिटेल्स, कोई डिटेल्स आपको पता करना है मैडम तो 91 एक्ट को पढ़ लीजिए। डिटेल्स आपको पता करना है तो पैराग्राफ 84 बाबरी मस्जिद का जजमेंट पढ़ लीजिए, वो डिटेल्स है। बाकी सब आपके दिमाग की इमेजिनेशन है जिस पर आप अपना वक्त जाये कर रहे हैं और मेरा वक्त जाये कर रहा हूँ। करना है, कर सकते हैं, मगर नहीं वो सब वो सब वो सब वो बोले करे नहीं। आप मेरे को ऑर्डर में बताओ, ऑर्डर में लिखा कुछ? आपको बोल दिया आपके स्टूडियो में बैठकर ज्ञान दे रहा, आपको को हिमाकत कर रहा है, अलीफ का नाम भाला नहीं आता, थम्स अप है वो। मगर हमारे एडिटर ना, आपके एडिटर थम्स अप है, आपके एडिटर थम्स अप है, उनको नहीं मालूम। अगर हाँ लीगल एडिटर को क्या बात कर रहे हैं? अरे ऑर्डर में लिखा, बोलो लीगल एडिटर को बताओ, बोलो सर हम कल के रिपोर्ट जो लीक हुआ उसमें साफ साफ बताया गया है कम से कम जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रिपोर्ट को लीक होना नहीं चाहिए। आज सुनिए, नहीं आप कम से कम उसको तो फॉलो करो। आप रिपोर्ट लीक होती यार आप कैरी कर देते,
कौन दिया रिपोर्ट आपको मालूम? सर जो अजय मिश्रा साहब की रिपोर्ट में था, वो सिंह साहब की भी रिपोर्ट में है, और आज नहीं 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 वो सर ना 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 अरे को स्टे स्टे आप जाएंगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, वहां पे सुनेंगे। अब आप रिपोर्ट क्या रही कर ले कि अब आपका एंकर जज बन गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपका राय क्या है इस पे? नहीं मैं सुनिए सुनिए, मेरी राय ये है कि वो रिपोर्ट कोर्ट में पेश ही नहीं हुई, और जिसको सर्वे कमिश्नर बनाया गया था उसको हटा दिया गया, वो बेचारे को तकलीफ हो गई, पेट में दर्द हो गया, तो उसने अपना गुस्सा किसी और पे निकालने के लिए आप लोगों को अपना मित्र समझ कर दे दिया, और आप लोग माशाल्लाह उसके दोस्त निकले। आपने रिपोर्ट को कैरी कर दिया, आपने लाइव कैरी कर दिया, इस बात पे भी नहीं सोचा कि रिपोर्ट कोर्ट में पेश होनी चाहिए, मगर आप लोगों को जल्दी है कि इसका टीआरपी ना बढ़ जाए, मेरा टीआरपी कम ना हो जाए। तो सर आप मतलब फाइनली बोलना क्या चाहेंगे, फाउंटेन कहां से आ गया सर 200 साल पहले 300 साल पहले? हां फाउंटेन कहां से आया 200 300 साल? फाउंटेन 500 साल से है प्यारे। हाँ फाउंटेन सुनिए सुनिए प्यारे सुनिए प्यारे, फाउंटेन 500 साल से वहां पे, 500 साल से फाउंटेन है प्यारे वहां पे। 300 साल बोले आज 500 हो गए। हाँ 500 साल है। नहीं मैं गलत बोला, मैं गलत बोला, आपको सही कर लिया, 500 साल से है। लेकिन आपने वो भी कहा था कि उतने साल पहले सीमेंट नहीं था, तो फिर अभी फाउंटेन? हाँ बिल्कुल नहीं, औरंगजेब के मरने के बाद सीमेंट आया, तो फाउंटेन को भाई गच्ची से बनता ना, ये इमारत जिसमें बैठे हुए आप, ये भी 100 साल पुरानी मॉन्यूमेंट है। अरे 300 साल से 500 साल भी कर दिया। हाँ बिल्कुल 500 साल अहमदी साहब बोले, आज मैं करेक्ट कर लिया अपने आपको, जस्टिस हमारे एडवोकेट हुजैफा अहमदी साहब बोले कि 500 ईयर से मैं वो पॉन्ड को और उस फाउंटेन को यूज कर रहा हूँ। तो कितने साल पहले का है वो? तो स्ट्रक्चर सर हाँ कितने साल पहले का होगा? वो 91 के एक्ट में प्रोटेक्टेड है। अरे हाँ ज्ञान वापी पड़े सर। नहीं 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 आप आज देखिए प्रसाद साहब, आप जो है ना आप आला जात के हैं, आप बड़े आदमी हैं, आप जाकर सुनिए सुन तो लीजिए, आप क्या सवाल करने वाले हैं मैं समझ चुका हूँ, कितने साल का है नहीं है वो 91 का एक्ट नहीं देखता। सुनिए अरे 91 का एक्ट ये बोलता है कि 15 अगस्त 1947 को मंदिर मस्जिद गिरजाघर जो है वही रहेगा, खिस्सा खत्म पीरियड 15 अगस्त 1947। बस सर अगर 1991 एक्ट जैसा आप बोले अगर वैसी रहता था, अगर डिटरमाइन नहीं कर सकते थे तो फिर सिंपली स्टे कर देता था ना सर सुप्रीम कोर्ट? नहीं सुनिए अब जब जाएगा ये 7-11, पहले 7-11 डिसाइड होगा। 7-11 क्या है? अरे ठहरो तुम्हारो 7-11 बम्बई दिखता तुम्हारो 7-11 ये है मेंटेनेबिलिटी का, वो डिस्कस होगा पहले। अब होने दो क्योंकि जल्दी क्यों है तुम लोगों को? लेकिन जैसा आप सोच रहे थे कि आज परमानेंट से मिल जाएगा? हाँ नहीं मिला सही है, नहीं मिला हमको परमानेंट से नहीं मिला, मगर कोर्ट ने कम से कम वो जज साहब से बड़े जज साहब के ने भिजा दिया। नहीं मिलने का वो भी मतलब है? नहीं, अब देखिए जब डिस्ट्रिक्ट सीनियर जज के पास जाएगा 7-11 पहले डिसाइड होगा, ऑन प्रायोरिटी डिसाइड होगा। मतलब आप फाइनली बोलना क्या चाहते हैं? फाइनली कोर्ट बोलेंगे ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, आप फिर करो फिर जवाब देता हूँ मैं। Determining the character of the place of worship and 91 act doesn't stop you from determining the character of place of worship. No, अरे क्या बोल रहे हैं आप? You cannot change the character and nature of the property that is written in 91 act. Please, can be determined, right? No, you cannot. That has been determined already in the Parliament Act. That what was there in 15 August 1947 that will continue to be that same religious place. You cannot change the nature and character. That is the 91 Act. That is what Mr. Justice Chandrachud along with other four judges have written in that Supreme Court judgment. They have said a 91 Act is part of the basic structure of the Constitution. No one can touch the basic structure of the Constitution, not even any government.